दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में पहली बार कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू कर दोस्तों। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइप करना है बीओबी वर्ड। तो आपके सामने यहाँ पर बीओबी वर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहीं से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इंग्लिश पे रहने देता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओपन ए डिटेल सेविंग अकाउंट। अगर आप चाहें तो यहीं से एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर लॉग इन इनटू बीओबी वर्ल्ड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरे फ़ोन में एक नंबर का सिम है जो कि मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ओटीपी आ गया है, ओटीपी जैसे यहाँ पे आ गया है और यह ओटीपी ऑटो फिल हो जाता है, आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल करना है, यानी अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड का डिटेल्स को फिल करना है। तो आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, आपके डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको जो है आपके डेबिट कार्ड पे वह एक्सपायरी मंथ और ईयर होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर इंटर कर देता हूँ। तीनों की मैं इंटर करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट इंटर कर दिया हूँ और यहाँ पे डेबिट कार्ड का मंथ और एक्सपायरी यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक्टिवेशन की को सेंड कर दिया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आप यहां पे देख सकते हैं मेरे नंबर पे एक्टिवेशन की को आ गया है, यहां पे सेंड कर दिया गया है। और इस एक्टिवेशन की को सिर्फ आप एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अपना एक्टिवेशन की को यहां पे इंटर कर देता हूं जो भी मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया है। यहां पे एक्टिवेशन की इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर 4 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन बनाना होगा। और तो चलिए मैं यहाँ पे 4 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन को बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे री इंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का लॉगिन पिन बनाना होगा। यह पिन आपका अलग रहेगा, ट्रांजेक्शन पिन से यह पिन अलग रहेगा। तो लॉगिन पिन मैं यहाँ पे 4 डिजिट का बना लेता हूँ। उसके बाद री इंटर कन्फर्म करेंगे, फिर से वही पिन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी आपने जो लॉगिन पिन बनाया है उस लॉगिन पिन को इंटर करेंगे। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया हूँ। आप यहीं से कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ड एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए।